क्रियाओं के विरुद्ध हिंसा क्या होती है। तो पहले हम समझ लेते हैं मीनिंग ऑफ वायलेंस। मीनिंग ऑफ वायलेंस कि हिंसा से क्या तात्पर्य है। हिंसा से अधिकांश हम लोग ऐसे समझ लेते हैं जैसे मारना पीटना, किसी को बलपूर्वक धमकाना या किसी से जबरदस्ती कोई काम करवाना, ये सब हिंसा में ही आता है। तो जैसे कि मारना पीटना, घायल करना, अपशब्द कहना, चोट पहुंचाना, आदि। तो ये हिंसा से तात्पर्य। इससे हम और इसको व्यापक अर्थ में समझते हैं, जैसे कि हिंसा कई तरह से होता है। फर्स्ट वर्बल हिंसा, वर्बल वायलेंस। सेकंड वर्बल वायलेंस, फिजिकली वायलेंस। फिजिकली वायलेंस एंड मेंटली वायलेंस। तो वर्बल वायलेंस जैसे कि शाब्दिक हिंसा, शाब्दिक हिंसा किसी को अपशब्द कहना, गाली गलौज करना या फिर किसी को मतलब इस तरह से बात बोलना कि किसी के सम्मान को ठेस पहुंचे, इस तरह से वर्बल वायलेंस यानी कि शाब्दिक हिंसा। फिजिकली वायलेंस में शारीरिक हिंसा, शारीरिक हिंसा में किसी को मारना पीटना, घायल करना, चोट पहुंचाना उसको, और या तो फिर उसको मेंटली टॉर्चर करना जिससे कि वो या तो उसके शरीर में कुछ क्षतिग्रस्त करना, इस तरह से फिजिकली वायलेंस यानी कि शारीरिक हिंसा में आता है। मेंटली वायलेंस को हम इस तरह से देखेंगे कि मानसिक हिंसा। मानसिक हिंसा क्या होती है, ये एक बहुत ही भयानक रूप ले लेती है मेंटली वायलेंस। इसमें जो व्यक्ति किसी को टॉर्चर करता है तो वो जो व्यक्ति जिसको चोट पहुंचती है या वो मानसिक रूप से जो प्रताड़ित होता है उसकी स्थिति कई बार तो ऐसी इतनी भयानक हो जाती है कि वो अंदर ही अंदर काफ़ी घुटता रहता है और मेंटली तौर से वो परेशान होता रहता है। कभी कभी तो ये स्थिति इतनी भयानक हो जाती है कि व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है या फिर अपने आप को कोई विशेष नुकसान पहुंचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। टाइप्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, हिंसा तो अधिकांश सभी एक दूसरे के प्रति करते हैं जिससे कि सभी प्रभावित होते हैं, और हिंसा किसी भी के लिए ठीक नहीं रहता है। ऐसा महावीर स्वामी गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि हिंसा किसी के लिए ठीक नहीं है और इसमें किसी का भी भला नहीं होता। उन्होंने किसी भी प्रकार की हिंसा को अनुचित बताया। तो हिंसा अधिकांश हम समझते हैं बलपूर्वक धमका कर या किसी को नुकसान पहुंचा कर वो सब काम करवाया जाता है या किसी को नुकसान पहुंचाते वो वायलेंस या हिंसा ही होती है। टाइप्स अगर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की बात करते हैं तो हम इसमें महिलाओं के प्रति क्या हिंसा होती है उसके प्रति ज़्यादा देखते हैं। तो इसमें हम समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, जैसे डोमेस्टिक एंड
द्वारा प्रताड़ित किया जाता है या परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, जिससे कि वो फिजिकली हो या मेंटली वो परेशान होती हैं। तो इस तरह से हिंसाएं हमारे घर परिवार समाज में दिखाई देती है, जिससे कि महिलाएं इसका शिकार होती हैं। सेकेंड है डोमेस्टिक एंड फैमिली वायलेंस। सेकेंड में जैसे फिजिकल असॉल्ट, फिजिकल असॉल्ट यानी कि शारीरिक छेड़छाड़, ये भी एक तरह से हिंसा ही है। इसमें भी जो ज़्यादा सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर छेड़छाड़ के मामले अधिकांश सामने आ जाते हैं। जो लड़कियाँ हैं या नई युवतियाँ हैं उनके उसमें ये मामले अधिकांश सामने आते हैं, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों भीड़ भाड़ वाले स्थानों में इस तरह की हिंसाएँ ज़्यादा देखने मिलती हैं। और इसमें समझ में भी नहीं आता है कि जो व्यक्ति इस तरह की हिंसा कर रहा है वो कौन है, और पता भी नहीं चल पाता है। जैसे उनको उनके शारीरिक छेड़छाड़ करना, इस तरह से फिजिकली असॉल्ट होता है। थर्ड है किडनैपिंग। किडनैपिंग यानी कि अपहरण, ये भी हिंसा ही है। इसमें ज़्यादा करके जो लड़कियां हैं या जो अविवाहित लड़कियां हैं वो उनका किडनैपिंग शामिल रहता है। ऐसा नहीं है किडनैपिंग अपहरण तो ये हिंसा का रूप है। छोटे बच्चों का भी आजकल या पहले से जितना चला आ रहा है किडनैपिंग अपहरण का केस सामने आते रहते हैं। उनको अपहरण कर लेते हैं, फिर उनके फैमिली वालों से पैसे वसूलना या उनको धमकाना, ये सब हिंसा की श्रेणी में आता है। अगर महिलाओं के प्रति जो हिंसा उसमें बात करते हैं तो ज़्यादा करके ये अगर लड़कियां हैं उनके सामने ये सब जो हिंसा है सामने आती है, क्योंकि इस तरह इसके कारण कई वजह से जैसे प्रेम विवाह या फिर यौन संबंध टाइप होते हैं, जिससे कि उनको किडनैप कर लिया जाता है। और इस तरह की हिंसा से लड़कियां प्रभावित होती हैं, महिला प्रभावित होती हैं। क्रिमिनल वायलेंस, क्रिमिनल वायलेंस ये भी हिंसा ही है, आपराधिक हिंसा जिसको कहेंगे, क्योंकि जैसे किसी को मारना या फिर उसको ज़्यादा उसको चोट पहुंचाना, इस तरह से ये क्रिमिनल वायलेंस है जो कि हमारे समाज में देखने को मिलता है। और इससे भी अपराध लूटमार जैसे बहुत हिंसा सामने आती है और महिलाएं भी इससे प्रभावित होती हैं। फिर नेक्स्ट है कॉन्स्ट्रेंट सेक्सुअल रिलेशन। कॉन्स्ट्रेंट सेक्सुअल रिलेशन हम समझते हैं कि जबरन यौन संबंध, ये हमारे भारतीय समाज में ये हिंसा का एक बड़ा व्यापक रूप ले लेता है। और इस तरह से जबरन जो यानी हिंसा होती है वो भी हमारे हिंसा में यानी कि वायलेंस में ही आता है। फिर इस तरह की हिंसा भले ही क्यों ना अगर मैरिड कपल्स के बीच में भी है तब भी वो एक यौनिक हिंसा ही है। और इसके अलावा जैसे कि अननेचुरल सेक्सुअल रिलेशन है, अप्राकृतिक तरीके से जो यौन संबंध बनाए जाते हैं वो भी हिंसा में ही आते हैं। और इस तरह से महिलाएं काफ़ी इससे हिंसा का शिकार होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं मेडिकल वायलेंस। मेडिकल वायलेंस यानी कि जो दवाई या उसके जरिए से जो भी हिंसा सामने में आती है वो मेडिकल वायलेंस होता है। जैसे कि महिलाएं से इस हिंसा के प्रति शिकार होती रहती हैं, उनको जैसे फैमिली प्लानिंग के तहत बहुत दवा खाना या फिर जो सुरक्षित नहीं है उस तरह के अबॉर्शन या सिजेरियन ऑपरेशन, इस तरह से घटनाएँ सामने आती हैं जिससे कि महिलाएं फिजिकली हो या मेंटली हो इस वायलेंस का शिकार होते रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं साइबर वायलेंस। ये हिंसा भी बोलिए साइबर वायलेंस
साइबर वायलेंस ये आज के इस युग के एक नवीन प्रकार की हिंसा कह सकते हैं। इसमें सोशल मीडिया के द्वारा इस हिंसा का ज़्यादा व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा है। इस तरह की हिंसा में लड़कियाँ या महिलाओं का जो असली वीडियो बनाना उनके मध्य चित्र को नेट में डाल देना, इंटरनेट में फिर उनको उनके फ़ोटो के साथ में छेड़छाड़ करना और उनको जैसे उनकी फ़ोटो को नेट वगैरह में डाल देना और उनको फिर ब्लैकमेल करना, इस तरह से ये हिंसाओं इस तरह की हिंसा का शिकार महिलाएँ हो रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं वायलेंस एट वर्क प्लेस। वायलेंस एट वर्क प्लेस से तात्पर्य है कि जो इस तरह की हिंसा जो हमारे समाज घर परिवार में तो होती है, उसके साथ साथ में जैसे जहाँ महिलाएं कार्य करती हैं उस संस्थाओं में या बाहर जाकर जो कार्य करते हैं वहाँ भी उनको कई तरह की हिंसाओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि असमान वेतन देना, अधिक समय तक काम लेना, या फिर उनको छेड़छाड़ करना, या फिर उनसे और दूसरे तरह से उनको परेशान करना, इस तरह से ये वायलेंस भी हिंसा का है रूप लेता है और जिसमें कि महिलाएं इससे इस हिंसा से प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट रेप। रेप यानी कि बलात्कार ये भी आज के समय इतना बड़ा आपराधिक रूप